नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कांग्रेस की गुटबाजी उभर कर आई सामने, प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष ही जमशेदपुर में भिड़े कांग्रेसी। जमशेदपुर के सुंदरनगर की महिलाओं ने शराब दुकान का किया विरोध, डीसी से की दुकान बंद कराने की मांग। तबरेज की पत्नी ने डीसी से की मुलाकात, पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। और कंपार्टमेंट परीक्षा की मांग को लेकर छात्राओं ने मंत्री सरयू राय के आवास पर किया प्रदर्शन, की नारेबाजी। खबरें विस्तार से और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले कांग्रेसियों के बीच हुए विवाद की। आपको बता दें, कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी अब नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कम होती नहीं दिखाई दे रही है। आज सर्किट हाउस में कुछ कांग्रेसियों के बीच हुए विवाद के बाद गुटबाजी उभर कर सामने आ गई। बताया जाता है कि परिसदन में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव पुराने कांग्रेसियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी बीच कांग्रेस के नेता फिरोज खान वहां पहुंच गए और प्रदेश अध्यक्ष से मिलना चाह रहे थे। इसी बीच उन्होंने एक पुराने कांग्रेसी को धक्का दे दिया। इसके बाद दोनों ओर से गाली गलौज होने लगी, मारपीट होने तक की नौबत आ गई। बाद में कुछ अन्य कांग्रेसियों ने दोनों पक्षों को समझाया। मामले को बिगड़ता देख खुद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव को हस्तक्षेप करना पड़ा। हद तो ये हो गई कि इतना कुछ होने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष पूरे मामले को पारिवारिक मामला बताते हुए पल्ला यार जिंदा आदमी है, गाली गलौज कहाँ कर रहा है? वापस की बात है, लोकल बात, रिश्ते की बात कर रहा है वो। यार किसी का सलाह नहीं है क्या? रिश्ते की बात हो रही है, कोई रिश्तेदार एक दूसरे को अपना कुछ बोल रहा है। सभी यहाँ कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता लोग जिंदा आदमी है। जिंदा आदमी का शरीर हलचल करता है, हलचल में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको और फूल मत दीजिए। आप तो अभी आ रहे हैं, मैं सुबह से बैठ के क्या कर रहा हूँ? पुराने कांग्रेसियों से मिल रहा हूँ और नए को नए को सिखा रहा हूँ। दूसरे उस पर अभी इसी बात को लेकर विवाद हो रहा था आपके सामने में। अभी कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन अगर बाहर से आए हैं तो स्वागत उनका भी और उनको सीखना पड़ेगा। इधर जमशेदपुर के सुंदरनगर हितकू गांव की महिलाओं द्वारा शराब दुकान बंद कराने की मांग को लेकर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल हितकू गांव की महिलाएं हाथों में तख्ती लेकर सरकारी शराब दुकान बंद करने के समर्थन में जमकर नारेबाजी कर रही थी। इधर हितकू गांव की सीता हासदा नामक महिला ने बताया, राजकीय मध्य विद्यालय के सामने सरकारी शराब की दुकानें खोल दी गई है, शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है, इसलिए सरकारी शराब की दुकान बंद करने की मांग को लेकर महिलाएं आंदोलन चला रही है। शराब दुकान बंद करना है। शराब दुकान क्यों, क्या मामला? क्या मामला? शराब दुकान बंद करना है। कहाँ पे है शराब दुकान? कहाँ पे है? बना डुंगरी चौक। बना डुंगरी चौक स्कूल के सामने। कौन सा स्कूल है? सामने स्कूल है। इसमें क्या समस्या हो रहा आप लोगों में? समस्या हो रहा है सर, बच्चा सबको समस्या, बड़ा को भी समस्या रहा है। असिस्टेंट भी है, आने जाने में भी वहाँ पे उधर खरीदने वाला भी आके गाड़ी सब खड़ा कर देता है, लेता है। दुकान बहुत लगा हुआ है, सारा दुकान के चलते मतलब और भी दुकान सब भीड़ लगा के रखा है, तो बहुत मतलब भीड़ हो रहा है वहाँ पे। उधर सरायकेला जिले के धतकड़ी के ग्रामीणों द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की पिटाई व मौत मामले में आज तबरेज की पत्नी शाइस्ता परवीन व अन्य परिजन समाहरणालय पहुंचे, डीसीए डोडे से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। तबरेज की परिजनों ने डीसी से तबरेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिसरा रिपोर्ट तथा एसआईटी जाँच रिपोर्ट की प्रति देने की गुजारिश की, जिस पर डीसी ने उन्हें एसपी से मुलाकात कर रिपोर्ट लेने को कहा। फिर तबरेज के परिजनों ने एसपी कार्तिक एस के आवास पर मुलाकात की। एसपी ने सारे जांच रिपोर्ट को देने में असमर्थता जाहिर करते हुए कोर्ट से सभी सर्टिफाइड कॉपी लेने को कहा। मृतक तबरेज की पत्नी ने मांग की है कि दोषियों पर फिर से धारा 302 लगाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर तबरेज के चाचा मशरूर आलम ने कहा कि वे एसआईटी जाँच रिपोर्ट, बिसरा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रशासन से लेने आए हैं, ताकि वे आगे कानूनी रूप से लड़ाई लड़ न्याय पा सके। कातिलों को सज़ा नहीं मिला, सज़ा नहीं मिला, दफ़ा 302 नहीं लगा, उन लोगों को फांसी की सज़ा नहीं हुआ तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आप
पूरा दुनिया तो जानता है उनके मौत कैसा हुआ, किस तरह से मौत हुआ है। यहाँ डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस सब जगह है, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अगर इंसाफ नहीं मिला, अगर उन लोग को फांसी की सज़ा नहीं हुआ तो हम आत्महत्या कर लेंगे डीसी ऑफिस या एसपी ऑफिस में। आवेदन दिए थे कि विस्तृत रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये सब हम लोग को मिलना चाहिए ताकि हम कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा सके। कोर्ट में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये सब रिपोर्ट मांग रहे थे। तो डीसी साहब से मिले तो डीसी साहब बोले कि मेरे पास नहीं है, आप एसपी साहब के पास जाइए। जब एसपी साहब के पास आए तो एसपी साहब बोलते हैं कि हम आप लोग को नहीं दे सकते हैं, ये सिर्फ मतलब कोर्ट में जमा होगा और कोर्ट से आपको लेना होगा, आप लोगों को हाथ में नहीं देंगे। तो एसपी साहब का साफ साफ कहना है कि हम विस्तृत रिपोर्ट भी नहीं देंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। इधर झारखंड आंसू छात्र संघ के बैनर पर छात्र छात्राओं ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय के बिष्टुपुर स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इधर झारखंड आंसू छात्र संघ के कोल्हान प्रमंडलीय अध्यक्ष हेमंत पाठक ने बताया 2018-20 सत्र में जैक ने इंटरमीडिएट के छात्रों को मार्जिनल के नाम पर परीक्षा फल लंबित रखा है। हजारों छात्रों के भविष्य के साथ जैक खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने बताया कोल्हान प्रमंडल में इन छात्रों की संख्या 7-8 हजार है, जबकि पूरे झारखंड में ये संख्या 20 हजार से अधिक है। पाठक ने कहा आंसू पार्टी छात्र संघ की मांग है मार्जिनल छात्रों का पूरक परीक्षा आयोजित किया जाए। के सत्र 2018 जो 2020 के जो छात्र हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चों को पहली बार इतिहास में पहली बार जैक इन्हें फेल कर दिया है, फेल भी नहीं मार्जिनल कर दिया है। फेल पास तो समझ में आता है, ये मार्जिनल क्या होता है। हम लोग सब जगह चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, आज खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय जी के आवास पर हम लोग हंगामा कर रहे हैं। कारण साफ तौर पर यही है, जब नया नियम के अंतर्गत आप हजारों छात्रों को फेल किए हैं, जब 12th में फेल होता है तो उनको पास होने के लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम की व्यवस्था होती है। जब आप फर्स्ट ईयर में पहली बार फेल कर रहे हैं या उनको उनके लिए कंपार्टमेंट व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसमें ये प्रॉब्लम है। पूरे झारखंड के 20,000 प्लस बच्चे जो ऐसे हैं जो मार्जिनल हुए हैं। जमशेदपुर के माननीय मंत्री जी सरयू राय के ही क्षेत्र के 4 कॉलेज में करीबन 7-8 हजार बच्चे ऐसे हैं जो मार्जिनल हुए हैं। और जमशेदपुर अभिभावक संघ के बैनर पर सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग के समर्थन में प्रदर्शन डीसी कार्यालय पर किया गया। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल थी तथा जमकर नारेबाजी कर रही थी। इधर जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा निर्गत आदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है, बावजूद जमशेदपुर के निजी स्कूल प्रबंधन के द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। इस संबंध में डीसी को ज्ञापन सौंप कर आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की गई है। सभी तरह की स्कूल बसें और तिपहिया वाहन जिनमें बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए व्यवहार में लाया जाता है, उसमें सीटिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जाना है। बसों को पीले रंग में रंगने की बात है। इसके अलावा ड्राइवर का ड्रेस कोड भी सुनिश्चित कर दिया गया है। जमशेदपुर में अधिकतर स्कूलों के पास अपनी बस सेवा नहीं है और उनकी गलतियों के कारण बच्चे जो है असुरक्षित तरीके से निजी स्कूली वाहन और उस दोपहिया वाहन से स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। कार्रवाई करते हुए अगर इसका सुपालन किया जाए जिससे बच्चे सुरक्षित तरीके से स्कूल आ जा सके, स्कूल बस सेवा शुरू करें और बच्चों को दोपहिया वाहन से स्कूल आने पर पूर्ण तरह से रोक लग सके। साथ ही जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में डीसी ने मतदान केंद्रों को बदलने को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में डीसी डीआरए निदेशक भाजपा कांग्रेस राजद जेएमएम आजसू व अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। डीसी ने मतदान केंद्रों के बदलने के कारणों के संबंध में राजनीतिक प्रतिनिधियों से जानकारी ली। खासकर मतदान केंद्रों के जर्जर भवनों एवं अधिक दूरी पर रहने वाले मतदान के संबंध में डीसी ने प्रतिनिधियों से कहा कारणों की जाँच के बाद इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
युवा कर्मठ और जुझारू नेता शंभु चौधरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनता की आवाज बनकर उनको हक दिलाना, गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले शंभु चौधरी को लोग भविष्य का प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। मानगो नगर निगम घोषित करने को लेकर शंभु चौधरी ने जोरदार आंदोलन की शुरुआत की थी, साथ ही मानगो की अंचल बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। उतना ही नहीं, सैकड़ों गरीबों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में शंभु चौधरी ने दिन रात मेहनत की। गरीब गुरुओं की सेवा के लिए हरदम तत्पर रहने वाले इस युवा और हर दिल अजीज नेता के लिए हर राजनीतिक दलों के दरवाजे खुले हैं, पर इन्होंने आम आदमी पार्टी को अपनाया। मानगो क्षेत्र की जनता के लिए लगातार संघर्ष करने वाले शंभु चौधरी ने अपना अलग मुकाम बनाया है और क्षेत्र की जनता को उन पर अटूट विश्वास है। फिलहाल मानगो में नगर निगम चुनाव कराने की मांग को लेकर शंभु चौधरी आंदोलनरत है। बहरहाल हर दिल अजीज और जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध रहने वाले ऐसे जुझारू युवा नेता की जरूरत लोगों को है, जो उनकी आवाज बनकर उचित फोरम में उठा सके और लोगों को न्याय दिला सके। मानगो क्षेत्र की जनता को शंभु चौधरी से काफी उम्मीदें हैं और शंभु चौधरी में इन उम्मीदों पर खरा उतरने का जज्बा भी है। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में कोल्हान प्रमंडलीय स्तर फुटबॉल टूर्नामेंट के विजेता महिला टीम और उप विजेता पुरुष टीम को डीसी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रशस्ति प्रमाण लेने जिला मुख्यालय पहुंचे पूर्वी सिंहभूम महिला फुटबॉल टीम के कोच चांद मार्डी ने बताया, कोल्हान स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सरायकेला खरसवा की टीमों ने फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया। पूर्वी सिंहभूम महिला टीम विजेता रही जबकि पुरुष टीम उप विजेता रही। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री आमंत्रण कप के तहत इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। दूसरी तरफ डीसी रविशंकर शुक्ला ने टीम में शामिल महिला और पुरुष खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डीसी ने कहा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और खेल भावना को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लेकर टीम और आगे बढ़े, यही उनकी शुभकामना है। आप वो ये सरायकेला खरसावा थे, ये कोल्हान स्तरीय थे, ये पूर्वी सिंहभूम की टीम थी और ये 12 तारीख की मैच हुई थी और इसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट कट लिए थे, जैसे पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। तीनों टीम पार्टिसिपेट किए थे, उसमें से हम लोग फाइनल खेले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम से। फर्स्ट पूर्वी सिंहभूम हम लोग, सेकेंड हुआ आपको पश्चिम सिंहभूम और थर्ड हुआ आपको सरायकेला खरसावा। मुख्यमंत्री आमंत्रण कप थे, मुख्यमंत्री आमंत्रण कप। यहाँ हम लोग को बुलाए हैं, ये हमारे DSO साहब बुलाए हैं, सर DC साहब से कुछ मिलवाएंगे और आगे हम लोग ये बच्चे सम्मानित करेंगे और हम लोग अभी राज्य स्तरीय गेम में भी पार्टिसिपेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, राज्य स्तरीय फुटबॉल में। प्रमंडल स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम जिले की टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, विशेषकर महिलाओं ने इसमें पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए विजेता के रूप में अंतिम इसमें पहुँचे हैं ये लोग। और पुरुष टीम जो थी हमारी, वो उपविजेता रही है, टाई ब्रेकर में हार गए, लेकिन उनके प्रदर्शन की सभी लोगों ने तारीफ की है। इस अवसर पर सभी को प्रोत्साहित करने के लिए और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में खेल और खेल भावना के साथ ये अन्य टूर्नामेंट्स में भी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर सके, इसके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और सबको एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए अन्य भी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन करें। इधर जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 15 में होम गैलरी शोरूम का उद्घाटन किया गया। शोरूम का उद्घाटन बहुजन क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष काशिफ रजा सिद्दकी ने किया। उन्होंने कहा, होम गैलरी शोरूम में बिजली के सामान ग्राहकों को उचित मूल्य पर मिलेंगे। कामयाब करें और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जमशेदपुर में पहली बार इस तरह से मैं देख रहा हूँ
जहाँ पर एक ओवरऑल सॉल्यूशन इंटीरियर्स का मिलेगा और मानगो के लोगों के लिए उसको खुशकिस्मती है कि मानगो में ऐसा एक सुविधा की चीज़ उपलब्ध हो पा रही है, बहुत अच्छी है। मतलब LEDs भी अवेलेबल है यहाँ पर, ये घड़ी एंटीक पीस घड़ी अवेलेबल है, शैंडलियर्स अवेलेबल है, वॉलपेपर का ज़बरदस्त रेंज यहाँ अवेलेबल है। और आदित्यपुर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय परिसर में भगवान विश्वकर्मा पूजा के पूर्व संध्या पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां 2 दर्जन से भी अधिक फलदार और छायादार वृक्ष के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से कार्यपालक अभियंता हिमांशु कुमार, सहायक अभियंता प्रशांत प्रतीक, जूनियर इंजीनियर दिलीप प्रसाद के अलावा अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यपालक अभियंता ने बताया कि आदित्यपुर क्षेत्र में बेहतर बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से 4 नए विद्युत सब स्टेशनों का निर्माण किया गया है, जिनमें सालडी और मिरुडी सब स्टेशन को जल्द ही विद्युत आपूर्ति शुरू होगी। इसके साथ ही गमरिया में भी विद्युत सब स्टेशन बनकर तैयार है। इन्होंने बताया कि पहली बार गैस इंसुलेटेड विद्युत सब स्टेशन का निर्माण आदित्यपुर के हथियाडी में किया गया है। वही इन 4 सब स्टेशनों के शुरू होने से निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। चलिए ठीक, जाने के लिए सुहावना जगह ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बाकी सारे कार्यों के साथ साथ इसको भी करना चाहिए। विभाग के कार्य क्षेत्र हमारे प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 4 नए PSS हम लोग का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, जिसमें एक PSS मिरुडी हम लोग चार्ज कर दिए हैं और सालडी को हम लोग इस वीक में चालू चार्ज करने जा रहे हैं और बाकी 2 PSS को भी इस माह के अंत तक चार्ज करने के लिए। वही जमशेदपुर के सोनारी न्यू ग्वाला बस्ती की रहने वाली और अपराध जगत में लेडी चटनी डॉन के नाम से मशहूर प्रिया सिंह के पति संतोष साव को कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। गंभीर हालत में संतोष साव को MGM पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चटनी डॉन ने बताया कि मारपीट करने वालों से उनका खानदानी विवाद चला आ रहा है। आज जब वो और उसका पति भूतनाथ मंदिर के पास एक पान की दुकान में रुके थे, तभी वहां आकाश सिंह बाटला गैंग के कुछ गुर्गे वहां पहुंचे और मारपीट की। चटनी डॉन के अनुसार मारपीट करने वालों में तड़ीपार जाफर, उसका भाई डॉन बिट्टू, रोशन और संजू समेत 15 लोग शामिल हैं। मारपीट के बाद सभी मौके से फरार हो गए। वैसे आकाश सिंह बाटला फिलहाल जेल में है। इस संबंध में चटनी डॉन में सुनारी थाना में मामला भी दर्ज करवाया है। वहीं घायल का इलाज MGM में चल रहा है। उतड़ी पार है अभी, लेकिन फिर भी सुनारी में घूम रहा है और है उसका बड़ा भाई डॉन बिट्टू, ठीक है, और एक का नाम है संजू, एक का नाम है रोशन, इन लोग और भी कुछ का नाम है जो मेरे को उतना नाम याद नहीं है। लोग सबको हम देखकर देखने पे सबको पहचान जाएंगे। किस जगह पे मारपीट हुआ? भूतनाथ मंदिर के पास। क्यों हुआ अभी तो नहीं बता सकते, हमें नहीं पता बेवजह लोग आगे मारने लगे। क्या पुराना बताओ, अब जेल में क्या हुआ तो वो तो नहीं बता सकते, जेल का ही कुछ हैंडल हो गया। कौन था जेल में? ये भी जेल में थे और वो भी लोग जेल में थे। उन लोग में कौन? डॉन था और उसका भाई जाफर, और मेनली झगड़ा का कारण है बाटला, आकाश सिंह बाटला, वो है, वो जेल में ही है और वही चाहता है इनको मरवाना। क्यों? और उसके कहने पे ही इन लोग मारे हैं। क्यों? क्योंकि क्या है जो इन लोग को पहले से चिन्हित किया हुआ था, ये भी जेल से छूट गया है और पहले से ही चिन्हित था कि इसको मारेंगे, वही बटला ग्रुप के लोग मारा है। रमजान से मारने का प्रयास था, देखा नहीं, लोहलुहान हो गया है। अभी तो स्थिति अच्छा नहीं कहा जाएगा। क्या FIR दर्ज हो गया, ये लोग लिख कर देंगे, FIR करेंगे, उसके बाद उसको पकड़ेंगे, चलान करेंगे। कितने लोगों का नाम आ रहा है इसका? नाम तो अभी 4 को बता रहे हैं, लेकिन वो पकड़ाएगा तो और कुछ लोग का नाम बताएगा। साथ ही झारखंड अभियंता सेवा संघ जमशेदपुर प्रक्षेत्र की ओर से 52वां अभियंता दिवस समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ आदित्यपुर स्थित स्वर्णरेखा परियोजना सभागार में आयोजित किया गया। झारखंड अभियंता सेवा संघ जमशेदपुर प्रक्षेत्र की ओर से 52वें अभियंता दिवस समारोह का आयोजन स्वर्णरेखा परियोजना के नवनिर्मित सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी और झारखंड आवास बोर्ड के MD सह स्वर्णरेखा परियोजना के प्रशासक ब्रज मोहन कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर इन्होंने देश और समाज के विकास में अभियंताओं के भूमिका पर प्रकाश डाला और अभियंताओं के बारे में गंभीरता से लेने के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस मौके पर देश के प्रतिष्ठित अभियंता विश्व रैया जी की जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। जब
उस लायक हुए कि हम टॉप लेवल पे जाके बात कर सकते थे। तो विधायक देखी चाहे जिस स्तर पर हो, और बड़ी मेरी सोच थी जैसे अभी प्रमोद जी ने कहा कि नीति निर्धारण में हमारी भूमिका रही, ये अफसोस हमें भी हो रहा था कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं लेकिन मेरी बात नहीं सुनेगा। और शुरू से मेरा लक्ष्य रहा कि चलो देखते हैं। मेरे पिताजी चूंकि प्रशासनिक सेवा में थे तो उनको थोड़ा प्रशासनिक सेवा से कुछ एलर्जी था, कहते थे कि नहीं नहीं हम अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाए। बाद जबरदस्ती उन्होंने अपने सारे बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाया। और इधर जमशेदपुर में दो दिवसीय प्रवास के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव सड़क मार्ग से चाईबासा के लिए निकले, जहां आदित्यपुर में कांग्रेसियों ने डॉक्टर उरांव का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। आकाशवाणी चौक से लेकर शेरे पंजाब चौक तक कांग्रेसियों ने डॉक्टर उरांव का स्वागत फूलमालाओं से किया। स्वागत के इसी क्रम में आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे योगेंद्र शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा ने बताया कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं से डॉक्टर उरांव को अवगत कराया गया है, साथ ही आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में बंद हो रहे कंपनियों की तरफ भी उनका ध्यान आकर्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जन मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति बनाने की बात कही है, जिस पर उन्होंने पूरी तरह से कार्यकर्ताओं का साथ देने का आश्वासन दिया है। आकाशवाणी चौक से लेकर के शेरे पंजाब चौक तक पैदल यात्रा कर उनका स्वागत किए, और नगर निगम का जो भी समस्याएं था, नाली, सड़क, बिजली और पेयजल, ये समस्याएं से प्रदेश अध्यक्ष को हमने अवगत कराया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर भी हम लोग आंदोलन जिस तरीके से 86 बस्ती का जमशेदपुर में हो रहा है, नगर निगम में जो है ना पेयजल पर, बिजली और जो ये महंगाई भत्ता जो बढ़ी हुई है, ये सब पर जो ना जल्द आंदोलन करने का। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की गुटबाजी उभर कर आई सामने, प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष ही जमशेदपुर में भिड़े कांग्रेसी। जमशेदपुर के सुंदरनगर की महिलाओं ने शराब दुकान का किया विरोध, डीसी से की दुकान बंद कराने की मांग। तबरेज की पत्नी ने डीसी से की मुलाकात, पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। और कंपार्टमेंट परीक्षा की मांग को लेकर छात्राओं ने मंत्री सरयू राय के आवास पर किया प्रदर्शन, की नारेबाजी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।